शालीन भनोत ने अब सलमान के सामने भी टीना को लेकर जो बात कही, सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सलमान खान के सामने भी शालीन ने क्या टीना की बेइज्जती कर दी? क्या सलमान खान के सामने भी शालीन ने टीना के बारे में जो बातें बोली हैं उसको सुनकर अब खुद सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा है और उन्होंने ये साफ कहा है कि शालीन, तुम्हारे और तुम्हारी एक्स के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूं, अगर मैंने यहां पर बता दिया तो तुम सोच लो। तो अब एक चीज जो है सामने आ रही है और वो ये है कि सलमान खान ने शालीन से साफ साफ पूछा कि तुमने वो जो एक लाइन बोली थी वो लाइन तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। शालीन हमेशा की तरह ओवर स्मार्ट बोलते हुए नजर आए कि मैं जो है उसको बोलना सॉरी चाहिए। देखो, आपने एक लड़की के लिए ये बात बोली है, आप इस बात को तो डिनाई नहीं करोगे ना, आपने बोली है ये बात। वो कहता है कि हाँ मैंने बोली और मैं उस बात पे अभी भी स्टिक करता हूं कि मैंने वो जो बात बोली है वो 100% सच है। यानी कि एक लड़का खत्म नहीं होता, दूसरे पे जाके चिपक जाती है। ये लाइन शालीन सलमान के सामने बोलते हैं कि ये लाइन 100% सच है, इसलिए मैंने बोली। तो सलमान ने बोला कि तुम्हें शर्म आ रही है शालीन, कि तुम्हें एक लड़की के लिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ये बात बोलने की। जिस पर शालीन फिर सफाइयां दे रहे हैं कि भाई इसने मेरी बीवी पे बोला, मेरी डिग्निटी, मेरी रेपुटेशन, जहां पर टीना जो है विस्पर करती हुई नजर आती है कि सर शुरुआत तो इसने की थी ना। और ये बात बिल्कुल सही है, शुरुआत तो शालीन आपने की थी ना। आप एक लड़की को बोल रहे हैं कि एक लड़का खत्म नहीं होता, दूसरी लड़की लड़के के पास पहुंच जाती है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? और कोई लड़की आप चाहते हैं कि आपकी ये लाइन सुने और उसके बाद चुपचाप बैठी रहे? उसके बाद तो जो टीना ने धज्जियां उड़ाई है शालीन की, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है जो प्रियंका के साथ भी सारी चीजें शेयर की। तो अब सलमान कहते हैं कि तुम एक तो चुप बैठो, तुम्हारी और तुम्हारी एक्स के बारे में मुझे बहुत सारी बातें पता है, और अगर मैं यहाँ पे बताने पे आया तो फिर तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। तो इस तरह की धमकी जो है अब खुद सलमान खान शालीन को देते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद शालीन के दिमाग में ये बात नहीं जा रही कि उसने जो बात टीना को बोली है वो बात बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं।